हाँ जी बेटा, टुडे वी विल स्टार्ट विद अगेन द स्टैटिस्टिक चैप्टर। हमने उस दिन इंट्रोडक्शन दी थी कि व्हाई वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर, और आज हम करेंगे कि इसमें क्या क्या लर्न करना है हमने। मैंने आपको बताया था कि डाटा टू टाइप्स का होता है, रॉ डाटा, ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड में भी आगे हमने डिस्क्रीट डाटा और कॉन्टिन्यूस जो है फ्रीक्वेंसी वाला डाटा हमने स्टडी किया था। ठीक है, मेरे पास जो है ये देखिए दो तरह का डाटा है, ये XI FI। ओके, अगर 10, 20, 30, 40, 50 सपोज यहां तक है फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 2, 1, 1, 1 मेरे पास ये है। ठीक है, और मुझे कहा गया इसका मीन निकालिए। ये आप नाइन्थ में कर चुके हो बेटा ऑलरेडी। हम क्या करते हैं इसमें XI FI सबसे पहला स्टेप। मैंने ये बताया था कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमने मीन किया था जो हम नाइन्थ तक करते आए। तो हम क्या करते थे, सबसे पहले ऊपर है FI XI, मतलब इन सबको आपस में क्या करना, मल्टीप्लाई FI और XI। मतलब अगर ये X1 है, ये F1 है, तो आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये 20, 20 इंटू 1 20, 30 इंटू 5 150, 40 इंटू 1 40, 5 इंटू 1 50। अब आगे क्या करना है, इसका सम हुआ, ये हुआ 190 और 90, 280, और सम ऑफ टर्म्स है ना, मेरे पास कितने हुए, ये हुए 10। तो यानी मीन ये डिस्क्रीट डाटा एक तरह का, जिसमें हर टर्म कितनी बार आ रही है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई। तो उसके लिए ये मेथड लगता है। मेरे पास आया 280 बाय 10 और ये कटिंग हो गया, तो 28 इज द मीन, मतलब सारी वैल्यूज 28 के आसपास घूमती। समझ आ गया बेटा? अब हमने जो इस क्लास में करना है, हमने कॉन्टिन्यूस डाटा का मीन स्टडी करना है, या इंटरवल जिसमें दिया होता है, क्लासेस वो कॉन्टिन्यूस हो या ना हो वो भी हो सकता है, यानी मेरे पास इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स होते हैं, उसको स्टडी करेंगे। अभी पहला काम है हमारा सिर्फ कॉन्टिन्यूस डाटा को स्टडी करना। कॉन्टिन्यूस का मतलब 0 to 10 है, तो आगे 10 to 20 ही चलेगा। अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल शुड बी द लोअर लिमिट ऑफ द सेकेंड क्लास इंटरवल। हमने ये देखना, पहले इसका मीन स्टडी करेंगे, फिर आगे हम करेंगे क्वेश्चन में करना क्या। ठीक है, लेट अस स्टडी द मीन ऑफ द कॉन्टिन्यूस डाटा टूडे। ओके बेटा, मीन ऑफ द कॉन्टिन्यूस डाटा, बेटा मीन ऑफ कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके बेटा, क्लियर? अब मीन ऑफ द कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी में हमारे पास जो है, हमने अलग अलग मेथड्स हैं। ठीक है, एक तो सिंपल मेथड है, दूसरा है हमारे पास जो है अज्यूम्ड मीन मेथड, दो मेथड्स हैं। थर्ड मेथड डिलीटेड है हमारी बुक में। तीन मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। मैं एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से कराऊंगी, अज्यूम्ड मीन से और डायरेक्ट से। ठीक है, स्टेप डेविएशन हम नहीं करेंगे। ओके, तो मैं मीन ऑफ कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डाटा के लिए मेरे पास है, एक है डायरेक्ट मेथड, अभी मैंने वो बताया आपको डायरेक्ट मेथड, और दूसरा है मेरे पास बेटा दैट इज अज्यूम्ड मीन मेथड। ओके बेटा, अब डायरेक्ट मेथड में क्या, पहले तो
हम डाटा लिखें कि मेरे पास कैसा है, ये देखिए एक्स आई एफ आई, ये क्लास इंटरवल्स दिए, एक्स आई मत लिखे थे हमने, क्लास इंटरवल्स कैसे दिए, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, मान लीजिए ये मेरे पास क्लास इंटरवल्स है, ओके इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है मुझे, क्या दी हुई है, मान लीजिए 1 2 3, 2 and 2, ओके अब डायरेक्ट मेथड में पहला स्टेप, क्योंकि इसका फॉर्मूला वही होता है जो अभी डिस्क्रीट डाटा में हमने लर्न किया, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई ओवर समेशन एफ आई, वेयर एक्स आई क्या है, वेयर एक्स आई इज द क्लास मार्क या एक्स आई इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल, कुछ भी लिख दीजिए। अब देखिए तो मेरे पास, मैं सबसे पहले एक्स आई निकालू, कैसे निकालते हैं क्लास मार्क, दोनों को प्लस करें डिवाइडेड बाय 2, देखो 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, 5, आई राइट हियर 5, ओके 10 + 20, 30 by 2 जो गए 50, आप देख लीजिए जितना डिफरेंस इधर होगा ना, 10 10 10 10 10 का डिफरेंस आ रहा, तो इधर भी 10 10 का आएगा, अब 5 है 15 है, अगला 25 35 45, लिखते हुए एक बार चेक कर लिया करो कि इसकी मिडल वैल्यू यार वो एक्स आई निकल गया, अब मुझे क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई आपस में मल्टीप्लाई करना है ना, यानी यहां पर मैं क्या करूंगी, एक और कॉलम बनाऊंगी, आई विल राइट हियर एक्स आई एफ आई, चाहे एफ आई एक्स आई लिख दो या एक्स आई एफ आई लिख दो कोई मैटर नहीं करता, व्हाट डज इट मीन, इन दोनों कॉलम्स की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना, जैसे मैंने डिस्क्रीट में कराया, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 5 इसको किया 30, 75, 70, 90, तो ऐड करो 10, 11, 11 और 9, 20 और ये 27, इसको ऐड कर लो 10, तो अब क्या फॉर्मूला आएगा यहां पर, वैल्यू सबका प्लस ना, समेशन मतलब इन सबका प्लस, 275 by 10, 27.5 आंसर आ, ये मैंने किस मेथड से किया, डायरेक्ट मेथड से, यहां तक सबको समझ आ गया मैंने क्या किया, हाउ टू कैलकुलेट मीन बाय डायरेक्ट मेथड, क्योंकि अगर पेपर में मेथड स्पेसिफाई है तो आपको वही याद करना पड़ेगा, अगर स्पेसिफाई नहीं है तो आप दोनों में से कुछ भी करो, बस डिफरेंस क्या है, अज्यूम्ड मीन से कैलकुलेशंस इजी हो जाती है, अगर डाटा हैवी है मतलब वैल्यूज ज्यादा बड़ी है तो अज्यूम्ड मीन इज द बेस्ट मेथड, ठीक है जी, सबको क्लियर, सिर्फ एक बच्चे ने थम्स अप किया था कि प्रिंसी, बाकियों को नहीं क्लियर, यस भानु, यस भानु बेटा, यस बेटा, मैम अगर एक्स आई एफ आई इन सब की जगह आप कोई मतलब नॉर्मली लिख दो तो थोड़ा सा ज्यादा समझ आ जाएगा, जैसे एक्स आई की जगह क्लास मार्क या वो, नहीं बेटा मैम एक्स आई समझ नहीं आ रहा बेटा, एक्स आई इज द मिडल यही चलेगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला तो लर्न करना ही पड़ेगा ना, हम ऐसे नहीं लिख सकते, दिस इज द मैथमेटिकल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ओके भानु, मैम एफ आई फ्रीक्वेंसी है, हाँ नंबर मैंने बोला, और एक्स आई क्या है, एक्स आई मिडल वैल्यू, मैंने तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली लेबलिंग की ना बेटा, ये पेपर में ऐसा ही दिया जाता है, क्लास इंटरवल एफ वाई मतलब 0 to 10 वाले 1 बच्चे हैं, 10 से 20 तक मार्क्स लेने वाले 2 बच्चे हैं, 20 से 30 लेने वाले 3 बच्चे हैं, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, मैम ये 10 से 20 में कौन सी वैल्यूज लाई करती हैं, 11 से 19 की क्या वो होता था ना एक पिछली होती थी, हाँ श्योर ये मैं बताती हूँ कि जब 0 से 10 लिया और 10 से 20 लिया तो यहाँ 10 इंक्लूड नहीं होता, ये तो हम 8th तक बताते आए हैं बच्चों को कि यहाँ पर 10 वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, जो 10 वैल्यू आती है ना वो अगले
मतलब 9.5, 9.9, 9.95, that is included in this interval. But exact 10 will come in the next class. Okay, Bhanu? Bhanu, clear, beta? हाँ जी नेक्स्ट यस दिव्यांश यस दिव्यांश अनम्यूट योर सेल बेटा दिव्यांश बेटा अनम्यूट योर सेल व्हाट यू वांट टू से चलिए हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं दोबारा पूछ लेगा दिव्यांश ने अगर कुछ पूछना है तो हाँ जी दिव्यांश एनीथिंग यू वांट टू आस्क मैम एक बारी बता दो एक्सआई कैसे निकला एक्सआई जो है मेरे पास जो है बेसिकली एक्सआई का मतलब है कि मिडल वैल्यू कैलकुलेट करना बेटा मिडल वैल्यू ऑफ ईच इंटरवल जो है ओके वो ईच इंटरवल का मतलब है कि मेरे पास जो है वेट वेट बेटा हाँ जी बेटा मैं आपको बता रही थी मुझे दिव्यांश ने पूछा कि मैम मिडिल वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा मिडिल वैल्यू मींस क्लास मार्क और क्लास मार्क कैसे निकालते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय जो है टू जीरो प्लस टेन डिवाइडेड बाय टू टेन डिवाइडेड बाय टू दैट इज फाइव अगली क्या है टेन प्लस ट्वेंटी डिवाइडेड बाय टू थर्टी बाय टू That is 15. तो मैंने यही लिखा बेटा ओके दिव्यांश क्लियर है ठीक है चलिए यहां तक सबको बात समझ आ गई ना नाउ लेट अस डू बेटा बाय द अज्यूम्ड मेथड ठीक है ये मैं रब करने लगी अब अज्यूम्ड मेथड में क्या है बिल्कुल करना वही होता है हमने एक्साई तक निकालना ही निकालना मिड वैल्यूज निकालनी ही निकालनी बट अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है मेरे पास जो है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी आई एफ आई ओवर समेशन एफ आई नेम से ही क्लियर है अज्यूम्ड मीन हम क्या करते हैं इनमें से कोई एक वैल्यू को मीन मान लेते अज्यूम कर लेते और वो वैल्यू पता कैसे लेते मिडल वैल्यू मिडल मतलब अब ये 1, 2, 3, 4, 5 है तो मिडल वैल्यू तो 25 है ये तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स थी ना तो मिडल आ गई अगर इवन हो मान लो यहाँ 55 भी होता इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती तो आप ए चाहे थर्ड टर्म को ले लो या फोर्थ टर्म को ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता एंड में आंसर उसके अकॉर्डिंगली सेम आ जाता ओके मेरा पहला काम होता है एक्स आई निकालना उसमें से ए निकालना ए इज देखो ए यूज करना है ना स्मॉल ए दैट इज कॉल्ड अज्यूम्ड मीन मैंने यहां लिख देना है ए इज 25 सर्कल भी कर रहे ओके नाउ द नेक्स्ट स्टेप ये डी आई क्या है एफ आई आपको पता है फ्रीक्वेंसीज है अब डी आई कैन बी कैलकुलेटेड विद एक्स आई माइनस ए मतलब हर मिड वैल्यू से अज्यूम्ड मीन को माइनस कर दो मैं नेक्स्ट स्टेप यहां पर लिखूंगी डी आई एक्स आई माइनस ए और वेयर ए आपने लिख दिया 25 अब देखिए 5 - 25 - 20 ठीक है अगली -10 0 10 20 एक साइक्लिक ऑर्डर में चलता है ये नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव वो डिपेंड करता है आपने अज्यूम्ड मीन कैसा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है मुझे करने की जरूरत नहीं मैंने डीआई निकाल लिया बट मुझे अगला स्टेप क्या करना है DI को FI से मल्टीप्लाई करना है तभी उसका सम निकालूंगी ना तो मैंने क्या कर दिया यहां पर व्हाट आई हैव टू डू नाउ
फॉर्मूला लर्न हो गया तो आपको खुद पता चलेगा कि मुझे क्या क्या चाहिए। मैंने अब यहां पर डी आई एफ आई यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई, डी आई इज द डेविएशन, वी कॉल्ड इट डेविएशन फ्रॉम मीन, अज्यूम्ड मीन, ओके। इसमें जो है मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, देखो माइनस ट्वेंटी जीरो देन 20, मैं रब कर रही हूं, फिर दोबारा फॉर्मूला लिख दूंगी, इसको इससे किया 20 और 40, ठीक है। अब इसका सम चाहिए मुझे, क्या होता है, नेगेटिव को अलग प्लस कर लो, पॉजिटिव को अलग प्लस कर लो, अब प्लस माइनस आंसर सीधा 20, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला लिखूंगी यहां पर, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन जो है एफ आई डी आई ओवर एफ आई, तो क्या करेंगे, अज्यूम्ड मीन ए 25 प्लस इसका सम, अच्छा ये पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है, डोंट वरी रिगार्डिंग दैट, 20 ओवर 10, आंसर कितना आया 27, पिछले मेथड से भी तो 27 ही आया था, ओके। आप मेथड कोई भी अप्लाई कर लो आंसर सेम आएगा, बट जब कैलकुलेशन ज्यादा हो बेटा ऑलवेज यूज अज्यूम्ड मीन मेथड, उससे कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है। यस नव्या बेटा, मैम हम ए किसी को भी अज्यूम कर सकते हैं? हाँ जी, ज्यादातर ए, अच्छा अगर कोई बच्चा ना मान लो ए लेता 35, अगर वो ए 35 लेता उसका ये वाला आंसर ना नेगेटिव आ जाना था अपने आप। हम नॉर्मली बच्चों को लेते कहते हैं ट्राई टू टेक मिडल, उसका बेनिफिट हो जाता, लेने से कोई भी गलती कोई नहीं होगी, उसके अकॉर्डिंगली उस बच्चे का ये चेंज हो जाएगा, उसका अपने आप आंसर अल्टीमेटली 27। बट अज्यूम्ड मीन जो है बेसिकली मिडल वैल्यू ऑफ एक्स आई होता है, जो मिडल में आता है, ओके नव्या? यस मैम। हाँ जी, यस दक्ष बेटा, यस दक्ष। मैम पॉइंट्स का तो कोई चक्कर नहीं ना होता, जैसे जो डायरेक्ट से किया उससे 0.5 आ रहा है, 27.5, और इससे 27, मतलब आगे पीछे इतना चलता है बेटा, नहीं एग्जैक्टली आता होता है। मैम डायरेक्ट से किया तो 27.5 था शायद पिछले बार आंसर, चेक कर लेना, मेरे हिसाब से 27 ही था, आप चेक कर लेना एक बार, वैसे सेम ही आता है, ओके। हाँ पॉइंट के दो डिजिट बाद कोई फर्क हो तो तब वेरिएशन हो सकती है, कोई बात नहीं, बट एग्जैक्टली सेम आता है, अदरवाइज हमारी कैलकुलेशन में कोई वेरिएशन हो सकती है, कोई गलती हो सकती है, अदरवाइज सेम ही आता है, ठीक है जी, क्लियर? यस दिव्यांश। मैम इसमें डीआई और एफआई कैसे आया, मैं पहले फर्स्ट में माइनस 20 एक बार बता दो, समझ नहीं आया। बेटा डीआई कैसे आया, हर एक्स आई में से देखो मैंने लिखा है ना एक्स आई माइनस ए, मैंने फॉर्मूला लिखा है एक्स आई ए, ए मैंने 25 लिया तो 5 माइनस 25 माइनस 20, अगर आपको नहीं पता चल रहा है मैं एक बार फिर लिख देती हूँ, 5 माइनस 25 माइनस 20 देन 15, खुद सोचो एक्स आई ए वाली है ना कॉलम है ना, तो 15 माइनस 25 माइनस 10, फिर 25 माइनस 25 जीरो, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20 बचा डीआई। अब डीआई एफआई मतलब डीआई ये निकला हुआ है एफआई ये निकला, इस कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना बेटा, जो आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई, ओके। यस भानु, यस भानु, हाँ जी बेटा पूछिए। मैम पिछले वाले में 27.5 आया, इसमें 27 आया, बेटा चेक कर लेना कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है, अदरवाइज नॉर्मली सेम आंसर आता है, वैसे पॉइंट का इतना फर्क होता नहीं है बट फिर भी ऑलमोस्ट सेम आंसर आता है, आप चेक कर लेना मेरे से कोई मिस्टेक ना हो रही हो। यहाँ पर सम चेक कर लीजिए,
कि कोई कैलकुलेशन में हमने गड़बड़ी तो नहीं की है, 60 आ रहा है, 20 आ रहा है, 20 बाय समेशन ये 10 ही आ रहा है, पिछले वाले में देख लेना शायद हमने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक ना की, अदरवाइज सेम ही आता है। और मैंने ये रफ सा डाटा लिया अपनी तरफ से, जो एग्जैक्ट होता है उसमें ऑलमोस्ट सेम आता है। ओके क्लियर? यस दिव्यांश मैम, वो पिछले वाले में गलती थी, हमने फर्स्ट टर्म को एक्स आई एफ आई मैम 5 1 5 होगा, अपने 15 लिखवाया था वो अभी। मैं वही कह रही हूँ कोई मिस्टेक होगी होगी तभी वो होगा, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक्स आप देख सकते हो, डजंट मैटर। ठीक है बेटा, क्लियर? चलिए, मैंने आपको कहा 100% आंसर सेम आता है। हाँ कई बार पॉइंट्स के बाद जब बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है ना उसमें कहीं पे पॉइंट के बाद कोई फर्क हो तो होता है, अदरवाइज सेम आंसर आता है। हम किसी भी मेथड से निकाले आंसर विल बी सेम। ठीक है जी, चले अब हम, मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत बार पूछा जाता है विच मेथड विल यू प्रेफर। अगर आपका डाटा की वैल्यूज कम है हम डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं, अगर डाटा की वैल्यू फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है वी कैन यूज अज्यूम्ड मेन मेथड। ठीक है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है इसी पर बेस्ड है। लेट अस डू जो है फर्स्ट क्वेश्चन, मैं 2 क्वेश्चंस करवाऊंगी, बाकी आपका होमवर्क है, यू हैव टू डू योरसेल्फ। जितने क्वेश्चंस करोगे, देखो मेरे से भी छोटी सी गलती होगी ना, 5 1 5 मैंने 15 लिख दिया, ऐसे आपसे भी तो बहुत ज्यादा हो सकती है ना, तो इसीलिए जितनी ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन उतनी कम होगी आपसे। ओके, तो लेट अस डू एक्सरसाइज 14.1। ओके, तो एक्सरसाइज 14.1 मेरे पास हो गए क्वेश्चन फर्स्ट। हाँ जी, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ जो है स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्ट द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी, फाइंड द मीन ऑफ द प्लांट्स पर हाउस। Which method did you use to find the mean and why? Clear cut है, अगर मैं डाटा देखूँ ना बेटा, मेरे पास डाटा अगर आप देखिए तो number of plants and number of houses 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। ओके, और मुझे वैल्यूज दी हुई है, देखिए देखिए मुझे बताया गया है कि ऐसे कितने घर हैं जिनमें 0 to 2 प्लांट्स हैं, ओनली 1, 2 to 4, 2, 1, 5, 6, 2, 2। ओके, दिस इज फ्रीक्वेंसी एफ आई, मुझे शॉर्ट में लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, दिस इज क्लास इंटरवल दैट इज गिवन टू मी। मेरा पहला काम है चूज करना कि मैं मेथड, डाटा कितना कम है ना, 10 से कम 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 वैल्यूज है, तो मैं क्या करूं, मैं डायरेक्ट मेथड प्रेफर करूंगी। अज्यूम्ड मीन तब करते हैं जब मेथड, अगर आप कर भी लेते हो तो गलत नहीं होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर, ठीक है, क्योंकि उसने पूछा एंड व्हाई, बिकॉज द डाटाज वैल्यू इज वेरी स्मॉल और लेस देन 10। ठीक है, तो पहला काम है मेरा एक्स आई ढूंढना, क्या करूंगी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2, 1, 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2, 3। अब मैं अगली नहीं निकालूंगी, 2 का डिफरेंस है ना, देखना ये 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा। ओके, सबसे पहले फॉर्मूला लिखा करो, मुझे क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला बाय डायरेक्ट फॉर्मूला या मेथड। मीन क्या है, समेशन एफ आई एक्स आई ओवर समेशन एफ आई, मुझे दोनों का प्रोडक्ट का सम चाहिए, तो मेरा अगला काम है एफ आई एक्स आई। भानु अब पता चल रहा है एफ आई एक्स आई कैसे लेना है, भानु बता,
ठीक है दिव्यांश, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी जो आपको नहीं पता चल रही थी, गुड। बाकी बच्चों की, रियान, पार्थ, परमवीर, सबको क्लियर है? वेरी गुड। चलिए तो अब एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई, 1, 3 to the 6, 5, 1 the 5, 35, 45, 22, 26, ओके। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, इसका सम, यानी इस कॉलम का सम, ऐसे लिखोगे समेशन एफ आई एक्स आई इक्वल्स, ठीक है। अब सम, यस तान्या, नव्या, क्या हो गया, कोई मिस्टेक कर दी होगी मैंने पक्का। हाँ जी तान्या मैम, वहां 54 आना है। ओ मैंने कहां गलती कर दी, ओ सॉरी 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 सॉरी, यस 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 यस, जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है ना, मैं ये भी चेक करती हूँ कि मेरे बच्चे एक्टिव है कि नहीं है, है ना, पता चल जाता है। और तो नहीं कोई मिस्टेक कर दी कैलकुलेशंस में, 35, 5 चेक कर लूं, मैंने कहा दक्षिता और नव्या ने हैंड रेस किया, यस नव्या, नहीं मैम वही थी। हाँ जी दक्षिता, मैम 12 से 14 एफ आई 3 है और वहां पे 39 आएगा एफ आई एक्स आई में। हम स्टेटमेंट देख लेते हैं, 12 टू 3, ओके जी 3 इज देयर, चलो जी 39 इज देयर, ये भी करेक्ट कर लिया, ठीक है। मैं तो सिर्फ मेथड बता रही हूँ, वैल्यूज कुछ भी हो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका डाटा चेंज हो जाएगा, डजंट मैटर, ठीक है ना। तो अब इनका सम करें, चलो जी सम करो, 7 और 10 मेरे पास जो है 17, 21, 23, 23 एंड 9 जो है 32, तो 2 आया 3 कैरी, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 5 16, चेक कर लो बेटा 162 सम है, चेक इट प्लीज, गलती हो सकती है, ओके हमने 162 लिख दिया डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, चेक कीजिए कितनी है, 3, 4 और 11, 19 प्लस 5 चेक कर लें, 3, 4, 9, 9, 15 एंड 15, 20 राइट हेयर समेशन एफ फाइव, ओके। क्योंकि मुझे कैसे पता चला पहले 19 बना था, क्योंकि 20 हाउसेस की बात की गई थी, तो 100% डिवाइडेड बाय 20, तो बेटा ये कटिंग कीजिए, मेरे पास 210 दा, 28 दा, 21 दा, तो 8.1 मेरे पास तो है मीना, ओके बेटा क्लियर, बात समझ आई, कैसे करना है कोई मुश्किल नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन, डिपेंडिंग अपॉन आपने अज्यूम्ड मीन क्या लिया है, अगर अगले क्वेश्चन में अज्यूम्ड मीन मेथड से करते हो ए क्या लिया है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, सम चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, वी कैन डू इट बाय अज्यूम्ड मेथड, एक करते हैं ठीक है, फिर आप एक्सरसाइज का होमवर्क करके आओगे, ओके चलिए लेट अस डू एंड ट्राई टू मेंटेन योर कॉपीज बेटा, बिकॉज हमने कॉपीज जो है कभी भी हम आपसे मंगवा सकते हैं फॉर इंटरनल असेसमेंट, सो प्लीज मेंटेन योर कॉपीज। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा, अगेन कंसीडरिंग द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 मेरे पास वर्कर्स जो है इन अ फैक्ट्री, तो बेटा क्या करेंगे, ये दिया हुआ है डेली वेजेस, ठीक है, और ये नंबर ऑफ वर्कर्स, तो मैंने सीधा ही फ्रीक्वेंसी ले लिया 100 to 120, ओके 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180 और 180 to 200, ठीक है 12, 14, 8, प्लीज चेक इट, मेरी बुक में थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, व्हाट वैल्यू इज द नेक्स्ट, इज इट 6 और, हाँ जी तान्या, यस बेटा बताइए नए वैल्यू नेक्स्ट क्या है, 6 और six. फिर 10, ओके ओके थैंक यू बेटा, थैंक यू मैम, मेरी बुक में ये 500 to 520 और 520 to 540 ऐसे दिया हुआ है। कोई बात नहीं, मेरी बुक में बेटा वही कई बार नए में चेंज आता है, डजंट मैटर,
सी हियर इन माय बुक इट इज 100 टू 120 डजंट मैटर, हमने तो मेथड ही सीखना है ना बेटा, है ना, वैल्यूज तो कोई भी हो जाए डजंट मैटर। चलिए सबसे पहले हमारा काम है वी हैव टू कैलकुलेट जो है बेटा एक्स आई। ओके एक्स आई कैसे निकालेंगे, मिडल वैल्यू दोनों को प्लस करें डिवाइडेड बाय टू करें तो ये आ जाएगा 220 डिवाइडेड बाय 2 110 110, उसके बाद 130 150 170 190। ठीक है अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से देखिए, ज्यूम्ड मीन का a प्लस समेशन एफ आई डी आई ओवर समेशन एफ आई, यही है ना बेटा। तो अब मेरे पास जो है हमने डी आई कैलकुलेट करना है पहला काम, कैसे करेंगे डी आई के लिए, डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए, होता है कि नहीं। तो मेरा पहला काम होगा ए कैलकुलेट करना, फाइव टर्म्स है तो मिडल वैल्यू यही है ना, अंडरलाइन किया राइट हियर ए इज 150। तो बेटा 110 माइनस 150 कितना आएगा माइनस 40, अगला माइनस 20, अगला 0, 20, 40, ठीक है जी। तो आगे क्या करेंगे डी आई एफ आई मेरे पास जो ठीक है डी आई एफ आई तो क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई है ना, तो कितना हो जाएगा माइनस 480। अब मैंने जानबूझ के कोई मिस्टेक कर दी नहीं है, ध्यान से बी एक्टिव 0 120 400। ओके अब मैंने क्या कहा था नेगेटिव नेगेटिव वालों को ऐड कर लो माइनस 760, इनको ऐड किया 520 और दैट मींस इसका सम मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा। हाँ जी तान्या ने पकड़ ली, हाँ जी तान्या यस तान्या बेटा वेट 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 मैम एक बार वो सेकंड वाली बताना कैसे आई। मैम आपका माइक में उठा। हाँ जी तान्या विच वन बेटा, मैम सेकंड वाली बता दो। सेकंड वाली कौन सी बेटा, कौन सा कॉलम या कौन सी रो आप पूछ रहे हो? I'm asking this thing. DIFI वाली। Okay, DIFI. बेटा DIFI मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, डी आई और एफ आई वाले कॉलम्स को कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज मल्टीप्लाई करना बेटा। ओके तान्या आप देखिए ना 12 मल्टीप्लाई 4 किया तो 48 मेरे पास जो है और यहाँ नेगेटिव था तो माइनस 48 480 आ गया। ओके तान्या तान्या क्लियर और नॉट बेटा। ओके चलिए तो अब बेटा माइनस देखो 40 और 2 माइनस 240 आ गया। ठीक है ये मेरे पास आई समेशन डी आई एफ आई की वैल्यू। अब ए कितना ए मेरे पास 150, फिर इसकी वैल्यू नेगेटिव आई ना माइनस 240 ओवर ये सम कितनी हमारे पास जो है बेटा वहां पर वर्कर्स थे ये 50, इसका सम 50 है तो 50 से डिवाइड कर दो, अब ये आंसर डेसिमल्स में ही आएगा। ओके clear to everyone, any doubt to anyone you can ask me, किसी को कोई problem?
ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन. योर होमवर्क इज टू कंप्लीट द एक्सरसाइज. कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको प्रॉब्लम आए, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो कॉन्टिन्यूस डाटा के. ठीक है, यस दिव्यांश, यस दिव्यांश बेटा पूछिए. ओके क्लियर, चलो ठीक है बेटा, गुड बाय.